एक बार वापस देख लेते हैं। तो ये बाइक का प्राइस अगर मेरे से पूछें तो 1,55,000 एक्स शोरूम दिल्ली है, और ये प्रॉपर बाइक है जो रॉयल एनफील्ड को टक्कर देती है। और जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, आनंद महिंद्रा ने एक चीज़ बहुत सही बोली कि दिस इज़ द बाइक दैट कम्प्लीट्स महिंद्राज टू व्हीलर पोर्टफोलियो। बहुत सारे यहाँ पर जावा के फैंस भी आए हैं जिन्होंने देखकर बाइक को काफ़ी सेंटिमेंटल और इमोशनल हुए हैं। बहुत सारे रॉयल एनफील्ड बायर्स अभी सोच सकते हैं कि उनके पास एक ऑप्शन है एक यूनिक क्लासिक लेने का, जिसकी हेरिटेज और इंडिया में रॉयल एनफील्ड से भी पुरानी है। ये देखिए 1929 जावा, यहाँ पे आपको एक कूल रिमाइंडर दिया है कि ये बाइक की विंटेज का। तो ये थी, जितना फनी अभी लग रहा है, जावा, बट आई थिंक लोग इसको क्लासिक ही बोलेंगे, क्लासिक जावा। आगे चल के जब लोग डीलरशिप्स इसकी 105 डीलरशिप्स ऑलरेडी महिंद्रा ने बोला है कि जावा ने बोला है, महिंद्रा नहीं, जावा ने बोला है कि है इन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो नंबर स्टॉप किया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीलरशिप की रिक्वेस्ट है अक्रॉस मोर देन 70 सिटीज़ ये डीलरशिप्स आ चुकी हैं। ये टूल किट है, मैं दिखाना भूल गया, यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बाइक की डिलीवरीज चालू होंगी नेक्स्ट ईयर। डीलरशिप्स में ये बाइक्स डिसम्बर एंड तक मिलना चालू हो जाएंगी, आपको टेस्ट राइड्स आनी चालू होंगी, और नेक्स्ट ईयर जनवरी से इसकी डिलीवरीज चालू हो जाएंगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, और आई थिंक रॉयल एनफील्ड को इसको देखकर बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ये डिज़ाइन मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छा, रॉयल एनफील्ड की 350 से तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कूल है बहुत। ये देखिए ये गोल्ड स्ट्राइप्स, ये बहुत अच्छी है। चलिए हम आपको दूसरी बाइक्स भी दिखाएंगे, सब्सक्राइब करके रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।